कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 3 मई तक भले ही जन अनुशासन पखवाड़ा लगा दिया हो, बेपरवाह लोग अभी भी खतरे को नहीं समझ रहे। अनुशासन पखवाड़ा के तहत आज स्थानीय तीसरे दिन भी पुलिस व प्रशासन ने अवैध रूप से खुली हुई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 11 दुकानों को सीज की। वहीं एक दुकानदार द्वारा गुटखा को ब्लैक में बेचते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस उप अधीक्षक उमेश गुप्ता, थाना अधिकारी दिलीप सिंह, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। क्या कार्रवाई की है? जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज भी हम सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं। डिप्टी साहब और SHO साहब और नगर पालिका PO की टीम के साथ सुबह से लग रहे हैं। आज टोटल अभी तक हमने 11 कार्रवाई की, जिसमें एक गुटखा व्यापारी है, कालाबाजारी कर रहा था, उसकी दुकान को गोवर्धन प्लाजा के पास। उसके अलावा कुछ लोग जो है सामान अंदर दुकान बंद करके बेच रहे थे, लेके भाग गए। उनको बुला के दुकान खुलवा के ग्राहकों को बिल्कुल सुरक्षित बाहर भेज दी और उन लोगों को हमने कानूनी बुला दिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, एक आज अबूद साहब भी है, उसके ऊपर भी क्या कार्रवाई होगी? अबूद साहब के ऊपर सरकार की जो गाइडलाइन है कि 50 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे किसी भी विवाह समारोह में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उत्तर अधिकारी को सूचना देनी अनिवार्य है। अगर कोई सूचना नहीं